शहर में लूट करने वाले मास्टरमाइंड को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। शराब के करता था लूट, नकदी सहित चैन स्नैचिंग कर की लूट। शिवपुरी जिले के कोतवाली पुलिस ने शहर और अन्य थाना क्षेत्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले और लूट के प्रयास करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। 25 अगस्त को थाना कोतवाली पर नरेश बाथम पुत्र लशीलाम बाथम निवासी वर्मा कॉलोनी ने थाने पर शिकायत करते हुए बताया कि 24 अगस्त को शाम के समय विजयपुरम कॉलोनी में जैन मंदिर के पीछे शिवम वाजपेयी नामक युवक ने चाकू का भय दिखाकर जेब में रखे 5,000 रुपए लूटने का प्रयास किया है, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि 26 अगस्त को सूचना पर आरोपी शिवम वाजपेयी को वैशाली गार्डन के पास फतेहपुर क्षेत्र से पकड़ा, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आशु उर्फ शिवम पुत्र स्वर्गीय गोकर्ण वाजपेयी उम्र 29 साल निवासी लक्ष्मीबाई रोड शिवपुरी होना बताया। आरोपी से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी शराब पीने का आदी है और शराब पीने हेतु विजयपुरम जैन मंदिर के पास लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी से अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने अन्य स्थानों पर रंग महल गार्डन के पास भी लूट की घटना घटित करना स्वीकार किया, जिसने एक व्यक्ति से मोबाइल फोन की लूट करना स्वीकार किया और पीपर वाले हनुमान जी के पास से 5,000 रुपए लूटने का प्रयास किया और देहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मील घर चौराहे के पास राजपुरा रोड से एक बालिका से छपट्टा मारकर चैन लूटने का प्रयास किया है, जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी से घटना में उपयोग एक चाकू और एक पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की जब्त की है और आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 25/8/24 को नरेश बाथम निवासी वर्मा कॉलोनी ने थाना कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 24/8/24 की शाम को विजयपुरम कॉलोनी जैन मंदिर के पीछे एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम वाजपेयी है, उसने उससे 5,000 रुपये लूटने का प्रयास किया एवं लूट करने से पहले उसको चाकू का भय दिखाया था, जिस पर से थाना कोतवाली पर अपराध धारा 309(5)(BNS) एवं 11(13)MPD के एक्ट के तहत कायम किया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि जो व्यक्ति शुभम वाजपेयी है, जो अपराध जो FIR है उसमें उसके द्वारा एक पल्सर गाड़ी का उपयोग करना भी की बात भी सामने आई थी। विवेचना के दौरान ये बात पता चली कि उसने शहर में अन्य जगह भी इस तरीके के प्रयास एवं लूट की घटना को घटित किया है, जिस जो तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं CSP महोदय के मार्गदर्शन में टीमें गठित की गई। 50 से अधिक CCTV कैमरों को सर्च किया गया एवं आरोपी की तलाश सरगर्मी से की गई, जो मुखबिर सूचना पर से आज दिनांक को आरोपी को वैशाली गार्डन के पास फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर को जब्त किया गया एवं घटना के दौरान जो जिस चाकू का उसने भय दिखाया था वह भी जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपी द्वारा, चूँकि आरोपी चालक किस्म का है, शुरुआत में बातों को घुमाया था, परंतु बाद में हिकमत हमने से पूछताछ करने पर आरोपी ने रंग महल गार्डन के पास से एक लूट की घटना को अंजाम देना एवं पीपल वाले हनुमान मंदिर के पास से एक लूट की घटना के प्रयास को अंजाम देना एवं नील नगर चौराहा है इसके पास जो राजपुरा रोड है उस पर से एक बालिका से सोने की चेन लूटने के प्रयास की घटना को करना स्वीकार किया है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय JR पर पेश किया गया है और संबंधित थानों द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त पूरे जो टास्क था, जो बड़ी चुनौती था, उसको उसमें आरोपी को पकड़ने में जो टीम लगी हुई थी उसको पुरस्कृत करने की घोषणा की। पूर्व भी सदा आरोपी पर कोई अपराध, पूर्व के जो भी अपराध होंगे उनको विवेचना में लेकर डायरी में संलग्न किया जाएगा।